भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, संकल्प पत्र समिति के संयोजक वित्त मंत्री निर्मला जी, इन सब के हाथों से लोकार्पण होगा। आज के इस समारोह में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ दिल्ली के भाजपा एनडीए के लोकसभा के सभी उम्मीदवार उपस्थित हैं। लोकार्पण समारोह के पश्चात यहां से जाते समय हरेक को अपने यहां संकल्प पत्र की प्रति दी जाएगी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साइट पर और डिजिटली भी आपको पहुंचाने की व्यवस्था कार्यक्रम के पश्चात तुरंत हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कार्यालय में हुआ है, अभी तुरंत ही वो इस सभागार में आएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी, ये सभी मंच पे आएंगे। और अभी हम जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का लोकार्पण कुछ ही क्षणों में यहां पर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, इनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आदरणीय निर्मला जी। सभी मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, सभी मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना संबोधन दें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, यहां उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण, संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सब लोग यहां एकत्र आए हैं और इस कार्यक्रम में हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल्प पत्र अगले 2024 से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी मिलेगी। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब भी पार्टी की कोई भी गतिविधि होती है उस गतिविधि के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है। आज वो फिर इस चुनावी कार्यक्रम में और अन्य व्यस्तताओं के बीच में आप हम सबके बीच में हैं, आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र की को लोकार्पण होगा, लॉन्चिंग होगी, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हैं और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं, एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने, जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी, जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 380,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है और ऑल वेदर रोड्स बनी हैं। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि गांव का सशक्तिकरण होगा, कभी गांव में भी कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को आपके नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ जोड़ा गया है। गरीब कल्याण की बात करें तो एक समय में यह असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीब तक अन्न पहुंचा सकेंगे, लेकिन आपने त्रासदी में भी अवसर ढूंढ करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया। 80 करोड़ की जनता को या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या और 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की। आज उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ लोग, भारत की आबादी आज गरीबी की रेखा से
ऊपर उठ करके अबव पॉवर्टी लाइन में आ गई, बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल गई, ये भी हमारे सामने। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अति गरीबी भारत में अब 1% से भी कम हो गई है, 0.08% पर ला करके खड़ा किया है। उसी तरीके से आवास योजना, मैं यहां बार बार सुनाता हूं और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने की, क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी। एक समय में हमारे यहां हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बताता था कि एमएलए साहब, आपके यहां एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2, अब बताओ इसको किसको दें। और मेरे लिए प्रश्न होता था कि ये किसको दें, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, मैं किसके दूंगा। मैं बीडीओ साहब को कहता था कि आप ही तय करो कौन से मापदंड पर आप दे सकते हो। लेकिन आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बन गए। और आगे भी इस कार्य को आगे जारी रखा गया है। उसी तरीके से महिलाओं की चिंता की बात करें, आज जनधन खाते में 50 करोड़ में से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खाते खुले हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, ये योजना आप सब लोग शहर में रह करके आपको लगता होगा हाँ गैस का सिलेंडर मिल गया, लेकिन ये इतनी ही छोटी कहानी नहीं है। हमारी बहनें गांव में 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, आकर के चूल्हा जलाती थी, फूकनी से फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी, धुआं को अपने छातियों पर लेती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता था और आंखों में पानी आता था, और घंटों के बाद वो जाकर के चाय बना पाती थी। आज 5 मिनट के अंदर गैस के चूल्हे के कारण नारी सशक्तिकरण किस तरीके से हुआ इस उज्ज्वला गैस के कारण, और 10 करोड़ सिलेंडर्स इस तरीके से और गैस के कनेक्शन दिए गए। सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा था और जब मैं कभी भ्रमण पर सुबह सुबह निकलता था तो मैं देखता था कि गांव की बहनें झुंड के झुंड सिर्फ अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए नेशनल हाईवे से होते हुए गांव और खुले में उनको शौच जाना पड़ता था। दैनिक जीवन में अपने इस तरीके का जीवन देखती थी, सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। आज 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम, और लाइफ विद डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, वुमेन डिग्निटी, इसकी चिंता अगर हुई तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वो भी हम सबके ध्यान में। जैसा मैंने कहा, आज हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं, और क्लियर मैंडेट आपने दिया, उसका क्लियर नतीजा निकला, और वह नतीजा ये है। हमने 1951-52 में कहा एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951-52 से ये बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया। मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था, और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की। और हमने वो भी दिन देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी। वह वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है, और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा है। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक,
कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि तीन तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए। लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी और आज त्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आजाद किया, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। उसी तरीके से 30 साल से राजनीतिक कारणों से नारी शक्ति वंदन और महिलाओं का रिजर्वेशन पर राजनीति होती रही, फॉर 30 ईयर्स, 30 साल कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ति और आप सबका सहयोग, 30 साल से जो कार्य नहीं हुआ वो 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करके और अगली बार लोकसभा में 2029 में हम 33% सांसद हमारी महिलाएं बहनें होंगी, यह भी हम देखने वाले हैं। इस तरीके से मैं मजबूत नेतृत्व का एक प्रमाण और एक विषय जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ये कोविड जब आया तो शायद ये शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था। दुनिया नहीं जानती थी कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा, दुनिया के नेतृत्व भी नहीं जानता था कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा। आपको पता है बड़े बड़े विकसित देश अपने निर्णय प्रक्रिया में वह भी डमाडोल हो गए, वह भी लड़खड़ा गए, वह भी नहीं तय कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, आर्थिक विषय जरूरी है या मानवता जरूरी है, ह्यूमैनिटी जरूरी है या इकोनॉमी जरूरी है। और बहुत से देश, विकसित देश, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, इस बीच में वो पेंडुलम की तरह डोलते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मजबूत इरादे, दूरदृष्टि, इस बात को ध्यान में रख करके उन प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है और लॉकडाउन लगाया। और जहां हमारा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वहीं 2 महीने के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया और फिर कहा जान भी है और जहान भी है और फिर लॉकडाउन को हटाते हुए। और दुनिया के नेतृत्व ने और दुनिया के लोगों ने इस बात को माना, इस बात का लोहा माना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरोना से लड़ने का स्ट्रैटेजी और उनका तरीका दुनिया में स्थापित हुआ कि वह सबसे अच्छे तरीके से मानवता के लिए कार्य किया गया, इस बात को भी हमने देखा। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, हम तो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते थे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल बाद आई, कोई दवा 28 साल बाद आई, टिटनेस की दवा 30 साल बाद आई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा यहां 100 साल बाद आई, लेकिन कोरोना प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर दो वैक्सीन दी और 220 करोड़ डोज दे करके देश के लोगों को बचाने का भी काम किया और देश के साथ साथ दुनिया को भी वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाई, यह भी हम लोगों ने देखा। और डबल डोज के बाद बूस्टर भी लगा, यह भी हमने देखा। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। 220 करोड़ की जनता को डबल डोज लगाना यह सबसे तीव्र गति और डिजिटली इसको सपोर्टेड प्रोग्राम रहा, यह भी हमने देखा। मित्रों, हमारा अभी आदरणीय राजनाथ जी मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र के बारे में आपके सामने सारी बातें रखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात की गारंटी। और यहां मैं स्वास्थ्य से जरूर जुड़ा हुआ विषय जरूर कहूंगा। अब मैं जब स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया 2014 में और जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो वहां
हमारे बारे में ऐसा सोचा जाता था कि ये वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैं, ये फॉलो करने वाले देश हैं। और उस समय बात चल रही थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, यूएचसी की बातचीत चल रही थी। हमने भी नहीं सोचा था कि हम यूएचसी में कभी कुछ कर सकेंगे, लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान भारत, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, 50 से 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गंभीर बीमारियों से लड़ने का, और आज वो सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम बन गया दुनिया का, वह भी हमने देखा। और उसके अगली बार जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो सब ने कहा प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट आयुष्मान भारत। तो ये एक हमने दुनिया के चित्र पर भी देखा कि कैसे भारत को आगे बढ़ाया गया है, बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं एक बात फिर कहूंगा कि आज जो संकल्प पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके बारे में जिनका हमें संबोधन मिलेगा, वह एक लंबी छलांग भारत को, विकसित भारत को पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेगा, यही मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। संकल्प पत्र की समिति के अध्यक्ष देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस संकल्प पत्र समिति की अध्यक्षता का दायित्व मेरे ऊपर सौंपा, और मुझे इस बात का हर्ष है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है, चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। जब मोदी जी के नेतृत्व में हम 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। मोदी जी का के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। मित्रों, भाजपा अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से जहां स्वाभिमानी और सशक्त भारत के निर्माण का रोडमैप प्रस्तुत करती है, वहीं समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी देश के सामने रखती है। 5 साल पहले 2019 में संकल्पित भारत, सशक्त भारत के उद्घोष के साथ जो घोषणा पत्र हम लेकर आए थे उसमें हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत की एक संकल्पना रखने के साथ साथ 2047 के भारत की भी रूपरेखा देश के सामने रखी थी। उसी भावना के अनुरूप ही हमने 5 साल के संकल्प लिए थे, और मुझे कहते हुए साथियों प्रसन्नता है कि साल 2019 में भारत के विकास एवं जन कल्याण के लिए जो भी संकल्प हमने लिए आज 2024 तक उन सब को पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है। हम लोगों को इस बात का गौरव है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करती है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे कृति और हमारे कथन में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। यह बात आज केवल भाजपा के लोग ही नहीं बल्कि देश के नागरिक भी मानने लगे हैं। यही विश्वसनीयता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, आज धारा 370 समाप्त हो चुकी है। हमने महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में 33% आरक्षण की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से नए संसद भवन का उद्घाटन होते ही पहला कानून
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश के सामने आया है। साथियों, हमारे संकल्प पत्र में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात भी कही गई थी। आज अयोध्या में रामलला की नव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हमने अपने संकल्प पत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात की थी। आज उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमने इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास की बात की थी और गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण के प्रति संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि देश के 80 करोड़ से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2020 से लगातार मुफ्त राशन दिया जा रहा है और मोदी जी ने इस योजना को 2029 तक चलाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 5 वर्षों में संकल्पित भारत, सशक्त भारत के संकल्प को पूरा करने पर सफलतापूर्वक काम किया है। अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है, इस विषय से जुड़ी कोई स्कीम चल रही है या नहीं और इसका हमारे मित्र देशों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी सावधानी बरती गई है। सभी बातों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है। साथियों, हर विषय की 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद हमने विषयों को 24 ग्रुप्स में बांटा है, 24 ग्रुप्स में से बांटा है। इनमें से 10 सोशल ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान, श्रम शक्ति, मछुआरे, एसएमईज, विश्वकर्मा स्मॉल ट्रेडर, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन एवं सबका साथ सबका विकास, जिसमें समाज के अन्य पिछड़े व कमजोर वर्ग शामिल हैं। इसी तरह जीवन और गवर्नेंस के जुड़े मुद्दे ये 14 सेक्टर में बांटा गया है इन्हें। और इनमें पहला है विश्व बंधु, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है। फिर है सुरक्षित भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय है। तीसरा है समृद्ध भारत। चौथा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। पांचवा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। छठा, ईज ऑफ लिविंग। सातवां, विरासत का विकास। आठवां है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। नवां है स्वस्थ भारत। दसवां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ग्यारहवां है खेल का विकास। बारहवां है सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। तेरहवां है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। और चौदहवां है सस्टेनेबल इंडिया, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र
भारत ही नहीं दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और मुझे पूरा विश्वास है जिन संकल्पों को हम यहां रख रहे हैं वह 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जहां यह आकार भी देगा वहीं यह विस्तार भी देगा और उसे साकार करने में भी यह मददगार साबित होगा। साथियों मैं यह भी आपको की जानकारी में लाना चाहूंगा इस संकल्प पत्र को तैयार करने में अपनी प्रतिदिन की अत्यधिक व्यस्तताओं के बावजूद हम सबके साथ देर रात तक बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उनके पास बैठने के बाद और उनके विचारों सुनने के बाद मैं स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा कैसा होगा हमारा विकसित भारत जहां इस संबंध में उनके अंदर पूरी स्पष्टता है वहीं पर आत्मविश्वास है कि यह हासिल होकर रहेगा। साथियों इस इलेक्शन कमेटी की कन्वीनर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और जितने भी हमारे इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के उन सभी के योगदान की मैं सराहना करता हूं। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा साथ ही दिन रात सारे सुझावों को संकलित करना अध्ययन करना और उसे संकल्प पत्र के रूप में तैयार करने में जो भूमिका हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने निभाई है उसकी भी मैं विशेष रूप से मैं सराहना करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं। संकल्प पत्र लोकार्पण का आज का दिन विशेष हम सबके लिए है। आज 14 अप्रैल भारत रत्न पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस शुभ दिवस पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अन्य सभी नेताओं को संकल्प पत्र का लोकार्पण करने का नम्र अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ज्ञान की बात कही थी। गरीब युवा अन्नदाता और नारी तो ये संकल्प पत्र देश के इन सब प्रतीक रूप में उनको सुपुर्द करना है। मैं सबसे पहले दिल्ली के गांधीनगर में रहने वाले रघुवीर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये अपने स्वयं के छोले कुलचे की रेड़ी लगाकर स्वयं रोजगार चलाते हैं और प्रधानमंत्री स्वनिधि से लोन लेकर इन्होंने ये शुरू किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि उनको संकल्प पत्र सुपुर्द करें। श्री रवि कुमार ये युवा है और इन्होंने गाजियाबाद के निवासी है। सुमंगला योजना से और आवास योजना में ये लाभार्थी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे देश के किसान के प्रतिनिधि के नाते श्री रामवीर जी
जो झज्जर हरियाणा के निवासी है और जिनको पीएम किसान निधि, फसल बीमा योजना, पशुधन योजना, इस सब का लाभ हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सभी किसानों के हित बस्तर की हमारी बहन श्रीमती नीलावती मौर्य छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। नीलावती बहन को आवास योजना का लाभ हुआ है, उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है, महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की चर्चित योजना उसका लाभ हुआ है, नल जल योजना का लाभ हुआ है। सभी बहनों का एक प्रतिनिधि रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करता हूं कि वो अपना संबोधन करें। एक रील बनाई है इस मैनिफेस्टो को लेकर, वो दिखाएंगे और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक व्यक्ति जो आज भरोसे का पर्याय बन चुका है, एक पार्टी जो विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। पिछले 10 साल में इनके विचार देश की आदतें बनते गए। सबका साथ सबका विकास, इनका परिश्रम देश की प्रेरणा बनता गया। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इनके बोल बदलते गए गारंटी में और सही नीयत बदलती गई सही नतीजों में। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आने वाले 5 साल भी होंगे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। ये है भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल की व्यवस्था करेंगे। आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, आगे मिलता रहेगा। ये है भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। मध्यम वर्ग परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करेंगे। हर परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, नए शिक्षण संस्थान बने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो और पर्यावरण स्वच्छ हो। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार में पारदर्शी परीक्षाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और पेपर लीक पर भी बड़ा कानून बना है। अब इस कानून को लागू करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। और खेल वीरों तैयार हो जाओ, हम 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करेंगे। ये है मोदी की गारंटी। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टअप्स, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार का मंत्र है नारी तो नारायणी। शक्ति की वंदना करते हुए मोदी जी ने लखपति दीदी का विचार रखा और 1 करोड़ बहने लखपति दीदी बन भी गई हैं। आगे 3 करोड़ को बनाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए अवसर देंगे।
साथ ही सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि समस्याओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे, नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास करेंगे। हम श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। हम कृषिगत शक्ति के रूप में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष विकास करेंगे। मछुआरों के जीवन छूते हर पहलू, जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मजबूत करेंगे। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। हम गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुली, घरों में काम करने वाले श्रमिक, सभी को ई श्रम पर जोड़कर उन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे। ये है मोदी की गारंटी। मेरे साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। भारत की प्राचीन योग की विरासत को एक एम्बेसडर बनकर मोदी जी ने दुनिया तक पहुंचाया है। आगे योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भारत देगा, ये मोदी की गारंटी है। विश्व भर में थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे। पिछले 10 साल साक्षी हैं, हर वंचित वर्ग को वरीयता देती है मोदी सरकार। आगे 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे और एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर साल देश के नाम, हर साल आपके नाम, 24/7 फॉर 2047। सब जानते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आगे भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी है मोदी जी की, और इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने की। हमारे शहरों को और लिवेबल बनाने की गारंटी है मोदी जी की। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार। विरासत से विकास के भी अनगिनत भव्य दिव्य उदाहरण हम देख चुके हैं पिछले 10 साल में। आगे हम विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे तथा अयोध्या जी का और विकास करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का हमारा मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। लागू होगी भारतीय न्याय संहिता भी। वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था आएगी। समृद्ध भारत बनाने के लिए
विश्वकर्मा परिवारजन एमएसएमई और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने की, क्रेडिट देने की और उनके उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी है मोदी सरकार की। याद है हम सबको 2004 से 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर अटकी रही और 10 वर्षों में मोदी जी भारत को 11वें से 5वें स्थान पर लाए और आगे विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी है मोदी जी की। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेंगी, नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी, विश्व स्तरीय स्टेशन बनेंगे और आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, वाटर मेट्रो बनते रहेंगे और उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वीय भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की फीजिबिलिटी स्टडी भी आरंभ होगी। नॉर्थ ईस्ट में भी विकास यात्रा जारी रहेगी। तटीय, द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की भी तैयारी है। बीते 10 साल में भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में विश्व में पहचान बनाई है। अब हम स्पेस, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी जैसी टेक्नोलॉजीज में भारत को अग्रणी बनते देखेंगे। हम 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे और 6G टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना विकास अधूरा है, इसलिए हम 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे और पेट्रोल आयात को कम करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। जिन्होंने इस गरीब का दर्द महसूस किया है, उसकी आवश्यकताओं को समझा है और उसकी आकांक्षाओं को उड़ान दी है। और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। हम विकसित भारत बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। शांति, सुरक्षा और विकास की गारंटी मोदी जी की, तो उन्हें जिताने की गारंटी हम सब की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नम्र अनुरोध करता हूं कि वो हमको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, निर्मला जी, भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, देश के कोने कोने में उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ता, आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में पोयला वैशाख का आनंद है, असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जश्न भी मना रहा है, ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में विशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडू हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी
बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। जो लोग गरीबी से बाहर आए, इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है, नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं, अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन बढ़िया हो गया होगा, सारे पैरामीटर तबीयत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महीना दो महीना ये चीजें संभालना।
ये उनके स्वास्थ्य के लिए कहते हैं, वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। सत्तर साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग के हो चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है।
1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी, साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्त की तरफ जाएगा। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं, लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी, अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। आजादी के बाद पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वाले हमारे भाई बहनों को डिग्निटी मिले, ब्याज के चक्कर से मुक्ति मिले। इसमें स्वनिधि योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सीमित था, आज रेहड़ी पटरी ठेले वाले मेरे भाई बहनों को बैंक में बिना गारंटी दिए मदद मिल रही है, मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है। भाजपा इस योजना का भी 2 तरह से विस्तार करेगी। एक तो 50,000 रुपये का कर की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्बों और गांव देहात के भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देकर के काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी
पहले किसी ने नहीं पूछा, ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेंगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था, आज हमारी पहचान पायलट की बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं, टेक्नोलॉजी भी सीख रही है, और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्तापित हो जाएगी, वो धुरा भी बनेगी। उसी प्रकार से महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम और विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। बहनों बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। साथियों, हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी, और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल
न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे। भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी, फिशरीज सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, हमारे मछली पालक साथियों को सी वीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। धरती मां की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, उस पर बल दिया जाएगा। भारत एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल इकोनॉमी के लिए नए ग्रोथ इंजन बनेंगे। साथियों, देश में जनजातीय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाना तय किया है। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी, डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की भी स्थापना की जाएगी, वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा। साथियों, भाजपा विकास भी और विरासत भी, उस मंत्र में विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में संत तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल, ये इस देश का गौरव है, हमारा गौरव है। तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी, प्रयास करेगी। हमारे देश में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, उसे भी अनलॉक किया जाना बाकी है। भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे। जैसे नालंदा हो, लोथल हो,
फैसला के पवित्र मंदिर समूह हो, बौद्ध स्थल हो, जैसे अनेक स्थलों का विकास किया जाएगा। अभी एक ऑनलाइन कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टूरिज्म के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं। ये टूरिज्म डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है, इसके आधार पर अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे, उनको सिलेक्ट करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और विदेशी टूरिस्टों को भी आकर्षित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है। टूरिज्म वो सेक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। टूरिज्म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है। भाजपा इको टूरिज्म के नए सेंटर्स भी बनाएगी। इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाभ हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा। भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेष रूप से आर्थिक मदद देने की योजना बनाकर आएगी। साथियों, 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने जा रही है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों में बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो विशेषकर ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम हाईवेज के पास उनको सफिशिएंट रेस्ट मिले, एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर सफर के दरमियान हाईवे पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो तो उसको मिले। तो ऐसे बारीक बारीक अनेक क्षेत्रों को ढूंढ करके हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हम देश भर में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वॉटरवे उनको आधुनिक बना रहे हैं। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसकी बैकबोन होती है। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। हम सरकार की ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ONDC ऑनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ONDC और टेलीमेडिसिन का विस्तार कर रहे हैं। इन तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबूती से विस्तार भाजपा की एक प्रमुख, एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग, गति भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बड़ा होगा, यानी स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा। ये भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। हमारे देश में अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को पहले की सरकारें
चुनौती माना करती थी। भाजपा उसे अवसर के रूप में देखती है। हम देश में नए नए सैटेलाइट टाउन्स बनाएंगे जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। देश के एविएशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है। अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब 1000 से ज्यादा नए विमान का ऑर्डर दिया हुआ है भारत ने। वो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे। पायलट, एयरलाइन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इससे जुड़ा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे अनेक सेक्टर में नए अवसर क्रिएट किए होंगे। ये सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं। साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे। वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इस 3 प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है। अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ऑयल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा? आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं। इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर्भरता पर है। इसलिए पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, गोवर्धन हो, बायोफ्यूल हो, सभी क्षेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। ये हमें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे, हरित रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल पहले 1 साल में सिर्फ 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, 1 साल में 2000, जबकि पिछले ही साल 17 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं।
पूरे देश में चार्जिंग स्टेशंस हो और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और ई व्हीकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीएम सूर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्जिंग स्टेशन और मुफ्त में ट्रैवलिंग उस दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं। इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्र, भाजपा का ये मैनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गारंटी देता है। भारत विश्व बंधु के तौर पर मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए
देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारी शक्ति और बढ़ाएं। इसी एक प्रार्थना के साथ देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।